इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। अमरनाथ वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। दर्शन सच में बहुत अच्छे हुए, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। मैं दो बार करके आ रहा हूँ, इतने अच्छे दर्शन हुए, अब समझ लो। हेलीकॉप्टर से जाओगे तो आपको 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, अब घोड़े से जा रहे हो तो 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अगर आप घोड़े या फिर पैदल से यात्रा कर रहे हो तो सुबह 3 बजे तक आप 2 मील गेट पर पहुंच जाना। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 11 जुलाई 2023। यार मैंने ना एक बात सुनी थी, जो होता है भगवान के उस पर होता है, मतलब भगवान जो चाहेगा वही होगा। और वैसे ही कुछ इस वक्त हमारे और भोले के केस में हो रहा है। महादेव की इच्छा पहले नहीं थी और अब शायद हम अब वापस श्रीनगर तक आ गए हैं, अब प्लान बन रहा है वापस जाएंगे अमरनाथ जी। सो गाइस, श्रीनगर से बालटाल के लिए निकल गए हैं वापस। बालटाल देखो 41 किलोमीटर रह रहा है, इस पर दिख रहा है। बालटाल पहुँच के आज कैंप में रेस्ट करेंगे, कल सुबह को फिर वापस घोड़े से ही हो रही है वापस चढ़ाई। लेटेस्ट अपडेट इज हम बालटाल फिर से पहुंच गए हैं और अब फाइनल है कुछ उसमें, चाहे अब कितनी भीड़ हो, कितना कुछ हो, कैसा भी हो, अब दर्शन करके आने हैं, ऐसा है। अमरनाथ आओगे भंडारे में आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। देखो पाव भाजी यहाँ बनेगी, अभी टिक्की उसमें, दही बल्ले, गोलगप्पे, मैगी, सब कुछ है भाई, सब कुछ। जय बोले जय भोले की। आज है डेट 12 जुलाई, और जिनको अगर नहीं पता है तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आज हम यात्रा पर फिर से निकले हैं। हम 9 जुलाई को यात्रा पर आए थे और RFID सेंटर जहाँ वेरीफाई होता है वहाँ पर भीड़ इतनी थी कि हमारी हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की। उस टाइम पर भोले की इच्छा ऐसी ही होगी। और आज देखो भाई, कुछ भी भीड़ नहीं है, कुछ भी, सब खाली पड़ा है। उस दिन नसीब में ही नहीं थे, उस दिन बात एक और थी कि 3 दिन के दर्शन थे सबके, मतलब 7 तारीख को दर्शन बंद रहे थे, 8 को बंद रहे थे, 9 को बंद रहे थे, हाँ सॉरी हम 10 तारीख को आए थे, 10 तारीख को इतनी भीड़ थी। फिर आज फिर से आए हैं हम यहाँ पर, अब आज से दर्शन करके ही आएंगे। अब पूरा आपको दिखाऊंगा मैं कि, और हमारे ज्यादा से ज्यादा घोड़ों में 7-8 घंटों में आने जाना दोनों हो जाएगा, तो बने रहिए आगे तक। जय भोले की। जो पैदल और घोड़े से जाते हैं उनके लिए 2 मील गेट पड़ता है, जो कि सुबह के 4:15 या 4:30 बजे खुलता है। इस वक्त और टाइम हो रहा है 4:15 और गेट अभी अभी खुला है बिल्कुल, और लाइन आप देख सकते हैं वहां पे, वो ग्रीन कलर का गेट है, ये जो है ग्रीन कलर का, और हम इतने पीछे हैं, रुको इतने। सो अब हमने 2 मील गेट पार कर लिया है। अगर आप घोड़े या फिर पैदल से यात्रा कर रहे हो तो सुबह 3 बजे तक आप 2 मील गेट पर पहुंच जाना। हमसे भी बात करा ना, हम भी बोलेंगे ना इसको। हाँ बोलो। हाँ बहुत अच्छा यात्रा हो रहा है, 3 बजे यहाँ से गेट से छोड़ देते हैं, 2 मील गेट से, 2 मील गेट से नहीं, 2 मील गेट 4:30 बजे खुलता है, 4:30 बजे खुलते हैं। बहुत अच्छा यात्रा, ज्यादा घोड़े पर आना, पैदल चलने की कोशिश मत करो। हाँ धन्यवाद। ये देखो भाई, यहाँ से ये पूरी यात्रा ऐसे ऊपर ऊपर जा रही है अभी, मतलब घोड़े पर बैठा हूँ तो थोड़ा सा फोकस कम होगा कैमरे का। हाँ आप देखो, रुका घोड़ा, ये देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है, और ये देखो यहाँ से ऐसे ऐसे बिल्कुल सीप जाते जाओगे, आप जाते जाओगे। हेलीकॉप्टर हमारा बुक था, हेलीकॉप्टर के टाइम पे हमारी 8 जुलाई को वरना दर्शन हो जाते, 8 जुलाई को वेदर खराब हो गया, बारिश हो गई, फिर 9 को भी नहीं हुए, 10 को हम वापस आ गए। हमारा कल फिर से मन बना और आज 12 जुलाई में हम फिर से जा रहे हैं। और घोड़े से करने का फिलहाल बस अब एक ये था कि हम टाइम से वापस आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बताया था 12 घंटे में हम आना जाना कर लेंगे। यहाँ से सिंध नदी जा रही है ये, और
पहाड़ों का नजारा तो अलग है, और इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 5 और दिन निकलना चालू हो गया है। यहाँ पर दिन निकल भी जल्दी जाता है और ढलता भी देर से है। जय भोले की। यात्रा के दौरान आपको हर जगह भंडारे देखने को मिल जाएंगे और मेडिकल सर्विसेज भी देखने को मिल जाएंगी जैसा यहाँ पर है, और किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज, सबसे बढ़िया चीज क्या है, यहाँ की जो CRPF है, जो मतलब आर्मी वाले लोग हैं, इतने कोऑपरेटिव और इतने हेल्पफुल हैं, हर तरीके से आपको मदद करेंगे अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो। अभी 7-8-9 को जैसे यात्रा बंद रही थी, तो पैदल और घोड़े की 3 दिन बंद ही थी यात्रा मौसम खराब की वजह से। तो ये सब वो हैं बुलडोजर वगैरह जिनसे रास्ता साफ किया गया होगा। और दूसरी चीज, एक मेरे को सबसे अच्छी क्या लगी यात्रा के दौरान, कि घोड़े वाले एक लाइन में चलेंगे और पैदल वाले एक लाइन में चलेंगे, ये एक दूसरे की लाइन में नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो CRPF वालों का डंडा पड़ेगा। ये पत्थर थोड़े तभी ऐसे हुए हैं जब यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, अभी जब यात्रा बंद रही थी। टाइम इस वक्त हो गया है 6:30 और सूर्य की किरणें थोड़ी थोड़ी सी पहाड़ों पर पड़ने लगी हैं, ये देखिए। और अभी हमारी गुफा बची है 7.5 किलोमीटर, जल्दी ही पहुंच जाएंगे। और सुबह 6 बजे पहला हेलीकॉप्टर भी उड़ चुका है, ये जा रहा है। ये जो है बरारी टॉप है, इस पर हम पहुंच गए हैं और अभी 6:15 बज रहे हैं। और कैप, ग्लव्स, मफलर ये सब कैरी करके चलना, ऊपर जाके बहुत ठंड लगने वाली है। नीचे इतनी नहीं थी 2 मील गेट पे, ऊपर जितना जा रहे हैं उतनी ठंड लग रही है। मैं लेकिन फुल पैक हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं। और फिलहाल तो बस अभी हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। सो अब हम बरारी टॉप पे पहुँच चुके हैं, ये देखो। और यहाँ से अब आधा रह गया बस होली केव। और हेलीकॉप्टर से अगर आप जाते हो तो आप नीलग्रत हेलीपैड जाते हो, जबकि ये पैदल और घोड़े का मार्ग है बालटाल वाला। बालटाल वाले बाग में नीलग्रत हेलीपैड नहीं पड़ता है। तो इसका फायदा ये है, अगर आप हेलीकॉप्टर से जाओगे तो आपको 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, अब घोड़े से जा रहे हो तो 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब अच्छे से सूरज निकल गया है, पहाड़ों पे भी अच्छे से रोशनी है सूर्य की किरणों की। नीचे से देखो बरारी टॉप की वो आ रही है। पैदल से यात्रा करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैंने जितना अब तक देखा इतना कोई स्टीप भी नहीं है, नॉर्मल है। पर दिक्कत बस है ये, यहाँ पर रास्ता पक्का नहीं है, कच्चा रास्ता है, तो गारा में पैर फिसलने का डर रहता है, इसलिए घोड़े करना ठीक रहेगा। यहाँ से पहाड़ों का फ्रेश पानी आ रहा है, घोड़े पी रहे हैं पानी, ये देखें। ये हेलीपैड है, ये बालटाल वाले रास्ते पर ही है, लेकिन ये इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, बाय चांस कुछ होता है अगर तो इस हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर लैंड कराया जाएगा। बरारी टॉप के 0.5 किलोमीटर बाद पैदल वालों का रास्ता ऊपर चला जाता है, घोड़े वालों का नीचे चला जाता है, मतलब अलग अलग रास्ता बैठ जाते हैं, फिर वो गुफा के पास जाके मिलते हैं थोड़े से। तो अब हम संगम टॉप पर पहुंच चुके हैं, संगम टॉप से मेरे ख्याल से 3.5 से 4 किलोमीटर मान लो, और पक्का नहीं हूँ मैं, अगर भूल चूक हो तो माफ़ करना, क्योंकि बरारी टॉप से हमारा आधा रह गया था, अप्रोक्स 6.5 से 7 किलोमीटर, तो यहाँ से इतना ही रह गया होगा। और संगम टॉप पर आके यहाँ पे भी भंडारे की और रुकने की सुविधा देखने को मिल जाएगी, मतलब जो थोड़े मेन पॉइंट्स हैं वहीं पर मिलेंगे आपको भंडारे की सुविधा और ठहरने की सुविधा, वैसे नहीं मिलेगी नॉर्मल रास्ते पर, वहाँ पर बस गारा मिलेगी। तो आराम से अगर आप पैदल भी करना चाह रहे हैं, आपका बिल्कुल ही पैदल का मन है, तो ट्रैकिंग शूज़ लेकर आइए,
ट्रैकिंग शूज अलग से स्पेशली दुकान पर जाके बोलिए कि ट्रैकिंग शूज चाहिए। संगम टॉप का यहाँ पे ये भंडारा देखिए, और यहीं से ही हेलीकॉप्टर निकल कर जाते हैं, और वहां से पहाड़ों का पानी आ रहा, बहुत प्यारा नजारा है। सबकी भंडारों के पास पूरी टॉयलेट की भी सुविधा होती है। ये देखो यहाँ पे ये होते हैं। संगम टॉप पर जब पहुंच जाते हैं घोड़े वाले उतार देते हैं, थोड़ा सा हमें यहाँ पे चलकर आना होता है नीचे। यहाँ से अब बिल्कुल पहले, अभी तो बहुत ज्यादा स्टेयर्स थी तो वो उतर कर आए थे, अब यहाँ पे वैसा ही है पूरा ढलान, तो यहाँ पे बैलेंस बना के धीरे धीरे चलना है। और जब नीचे पहुंच जाएंगे यहाँ से ये ऐसे ऐसे चढ़ते जाना है, और इसी के पीछे गुफा आएगी सबसे नीचे वाले। इस पे बहुत ज्यादा गा रहा है, देखो लोग कैसे संभल संभल के आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे पहाड़ी इलाकों में ट्रैकिंग शूज की जरूरत बहुत है, चाहे घोड़े से भी कर रहा हूँ। मेरे भी इसलिए ट्रैकिंग शूज ही हैं। ट्रैकिंग शूज वो होते हैं जिनके अंदर ऐसे मोटे मोटे गहरे से निकले हुए होते हैं कांटे टाइप के, वो जरूरी है ऐसी जगह। वो उससे क्या होता है, पैर पूरा सेट हो जाता है एक बार रखने पे। आप मिट्टी पे गारा पे पैर रखोगे, सेट हो जाएगा वो पैर। चलो अपने साथ के आ गए सब, अब चलते हैं वापस यहाँ पे ऊपर। भोले बाबा अब ज्यादा दूर नहीं है हमारे से। जय भोले। पैदल वालों का मार्ग वहां से ऊपर से आ रहा है, वहां पे ऊपर कोई काली माता का मंदिर पड़ता है, वहां से होता हुआ। घोड़े वालों का यहाँ से अलग ही जा रहा है भाई, बहुत गा रहा है, बहुत ज्यादा। यहाँ से सूर्य देवता के भी दर्शन बिल्कुल अच्छे से हो रहे हैं। जय सूर्य देवता। ये देखो यहाँ पर अब पैदल वाला रास्ता पैदल में आ गया अपने, यहाँ पे अपना घोड़े वाला चल रहा है। और यहाँ से दिखेगी नहीं गुफा, दिखेगी नहीं कैमरे में, मैं अभी थोड़ी सी और पास पहुंचा तब दिखाता हूँ गुफा का नजारा। जय बाबा बर्फानी। साइड में पूरे बर्फ के पहाड़। अपनी तीर्थ यात्रा के साथ साथ तुम नजारों के भी मजे लेते हो, तो आना चाहिए अमरनाथ, बिल्कुल आना चाहिए। अब दिख रहा हो अगर वहां पे जो ऑरेंज ऑरेंज है, चलो यार थोड़ा सा दूर जाके दिखाऊंगा, आंखों से तो मेरे को दूर से दिख रहा है, कैमरे में दिखे ना दिखे, और धूप पड़ रही है इसलिए मेरे को फोन में भी नहीं दिख रहा कि इस वक्त कैमरे में क्या चल रहा है, फुल ब्राइटनेस है। जबकि वहां पर घोड़े रुकते हैं, वहां तक तो हम पहुंच गए, और अब जरूर दिख जाएगा वहां पे वो जो ऑरेंज ऑरेंज है, वो है अमरनाथ बाबा की गुफा। जय बाबा बर्फानी, जय भोलेनाथ। यहाँ पर देखो कितने घोड़े हैं भाई। ऑनेस्टली बताऊं तो अभी इस वक्त पैदल का वो नहीं है, जितनी गारा मैंने देखी है फिसल जाएंगे। इन लोगों को आदत होती है, घोड़े वालों को ये चढ़कर आदत है, हमें इतनी आदत नहीं होती। अब यहाँ से हम पैदल जाएंगे, जो लेकिन पालकी होती है, पालकी सीधा गुफा तक जाती है। हेलीकॉप्टर 6 किलोमीटर, घोड़ा 2 किलोमीटर, और पालकी 0 किलोमीटर। ये हिसाब है अगर आप जिस चीज से भी आते हो ऊपर। अब बिल्कुल सामने गुफा है, मुश्किल से आधा किलोमीटर होगी, धूप सामने से पड़ रही है। जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो गुफा है बहुत हाई एल्टीट्यूड पाती है, इसलिए ऑक्सीजन भी कैरी करनी चाहिए, हमने करी थी, ऐसे हमारे पास 2-3 है फिलहाल, किसी को जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे। RFID कार्ड अपने गले में ही रखना जब भी आप पहुंचो, मतलब पूरी यात्रा के दौरान RFID अपने गले में ही रखना, और सनस्क्रीन जरूर लेकर आना। सूरज बिल्कुल यहाँ पर ऐसे लग रहा है ना कि मतलब स्किन बहुत टैन हो जाएगी, और बस तो मैंने तो अभी लगाई, वो बहुत सारी लग गई वो गुफा। बस अब ये रही सामने थोड़ी सी, अभी दिखाऊंगा यहाँ से। ये देखो बर्फ पे, साइड साइड में बर्फ है, चल कर जाना। वो रही गुफा, यार मेरे को नहीं दिख रहा फोन में, बहुत ज्यादा वो आ रही है,
सूरज की किरणें ब्राइटनेस पे फुल है तब भी वो देखो, और सामने से वो पालकी वालों का जा रहा है। जय बोले। पीछे है मेरे गुफा, अमरनाथ जी ने बहुत पापड़ बिलवाए हैं यहाँ तक आने के लिए बाबा बर्फानी कि अब बस दर्शन करेंगे। सांस फूल रहा है क्योंकि यहाँ पे जब घोड़े वाले छोड़ते हैं आपको 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलना होता है और स्टीप होता है वो चढ़ाई भी, लेकिन CRPF वाले बहुत कोऑपरेटिव हैं, मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा। अभी पापा को भी थोड़ा सा सांस फूल गया था और मतलब दिक्कत से हुई थी, CRPF वाले हाथ पकड़ के लेके आए हैं पापा का, सैल्यूट है उनको। सो अब मेरे पीछे आपको गुफा दिख रही होगी, ये रही गुफा, बहुत पास है, अब जल्दी जल्दी चल के दर्शन करते हैं। बहुत दिनों से इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन अब आज करके जाएंगे अच्छे से। अब यहाँ पर ये क्लॉक रूम है, यहाँ पर आपको अपने वॉलेट, मोबाइल, कैमरा और बेल्ट सब कुछ जमा करना होगा, अंदर ले जाना कुछ अलाउड नहीं होता। तो अब दर्शन करके आते हैं बस जल्दी से। जय भोले की। इतने बढ़िया दर्शन हुए हैं मैं क्या बताऊं, बस एक साइड पार्वती जी, एक साइड भोलेनाथ, मजा आ गया सच में। जितना भोलेनाथ ने दर्शन देने में कष्ट दिया है इन 4-5 दिनों में, वो सब पूर्ति पूरी हो गई। इतने बढ़िया दर्शन हुए हैं, इतना मज़ा, मैं बस अब क्या बताऊँ। अमरनाथ जी आओ आप, बहुत मज़े आएंगे, अलग ही वो है। और बाकी यहाँ पर अब कैंप नहीं है इस बार, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले अमरनाथ जी के गुफा के पास ही कैंप लगते थे, लेकिन उससे क्या होता था कैंप के पास ही भी खाना वगैरह बनता था तो धुआं वगैरह से पिंडी जल्दी पिघलने के चांसेस रहते थे, तो इसलिए वो चीज़ बंद हो गई है। भंडारे हैं लेकिन अब भी थोड़े बहुत हैं। अब हमें बस 1 किलोमीटर आगे जाना, जहाँ पर हमारे घोड़े मिलेंगे वो सीधा हमें लेके जाएंगे बालटाल। दर्शन सच में बहुत अच्छे हुए, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, मैं 2 बार करके आया हूँ, इतने अच्छे दर्शन हुए अब समझ लो भाई। एक लेकिन बात बता देता हूँ, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, बुढ़ा हो, मम्मी को भी हुई, भैया को भी हुई। ऑक्सीजन सिलेंडर हम लेके गए थे तो बहुत उससे रिलीफ मिला। तो आप भी ऑक्सीजन का छोटा सा वो आता है जितना का परफ्यूम होता है ना, उतना ही है हमारा, पॉकेट में आ गया आराम से, वो लेके जाओ बहुत सही रहेगा। और 50 रुपये में गर्म पानी की एक बाल्टी मिल जाती है, तो ये भी तुमको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर किसी को ऐसे बहुतों का मन होता है कि बिल्कुल भाई मैं तो सुबह 6 बजे दर्शन करूँगा, तो उनके लिए ये सुविधा भी हो जाएगी उपलब्ध। अगर आप घोड़े से आ रहे हो, जब घोड़े को शुरुआत में करो बालटाल से ही, उसका ID कार्ड ले लो, और जब तक वापस दर्शन करके नहीं आ जाता तब तक ID कार्ड मत दो। मेरे पास भी अब तक है ID कार्ड उसका, वरना वो मुकर जाते हैं, मतलब कि या तो आपको आधे रास्ते में पैसे बढ़ाने को बोल देंगे या फिर उतार देंगे, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब वापस हम अपने घोड़ों पर आ चुके हैं और लगभग अब 3 घंटे में हम अपने कैंप पर पहुँच जाएंगे। और थोड़ा बहुत मतलब उतरते टाइम हमको उतरना भी पड़ेगा घोड़े से, क्योंकि गारा ज़्यादा है, घोड़े फिसलने के चांसेस होते हैं। जय भोले की। हर हर महादेव। ये है संगम नदी, वो है सिंध नदी, ये दोनों आपस में आके मिल रही हैं। वैसे तो इन्होंने बताया कि ये भी आके मिल रही है, पर ये तो पता नहीं अब, पर इन दोनों का मेल अच्छा लग रहा है। अब बज रहे हैं दोपहर के 2:15 और हम बालटाल से अब लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर हैं, 7 से 8 किलोमीटर की। और अब मोस्टली अब आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पर अब सिर्फ जाएंगे, मतलब यात्रा करके जो आ रहे हैं बस वही लोग मतलब वापस ही जाएंगे, क्योंकि इसका कारण क्या है, 9 बजे
सुबह के 9 बजे वहां से RFID सेंटर जो है जहां से हम वापस हो गए थे उस दिन, वहां पे 9 बजे के बाद एंट्री नहीं होती, मतलब 9 बजे के बाद तुम यात्रा चढ़ाई शुरू नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है क्योंकि यात्रा में 12 से 13 घंटे लग जाते हैं, तो फिर रात हो जाएगी। और यहाँ पे इतनी लाइटिंग की वो नहीं है, देखो बालटाल रह रहा है इस वक्त 8.5 किलोमीटर और डोमेल रह रहा है 5.5 किलोमीटर। हम तो अपने भंडारे पर ही जाएंगे, तो 8 किलोमीटर के करीब होगा वो। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय बाबा परफानी ज़रूर लिख देना। जय भोलेनाथ।